नमस्कार ऑफलाइन के विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पे होंगे? वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, तो रजाई में बैठे होंगे, तिल पापड़ी खा रहे होंगे। तो देखो, ऑफलाइन स्टूडेंट, अभी तक सरकार ने 50% की इजाज़त दे रखी है। हमने 5-7 दिन की छुट्टियां कर दी थी, क्योंकि हमारे बोलने से भी आपको पता चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है पूरे स्टाफ के ही। तो इस वजह से 5-7 दिन की उस दिन छुट्टी कर दी थी, और छुट्टी उस हिसाब से ही की थी कि आपको भी। तो अब बात ये है, आपको आना कब है? 50% के हिसाब से है, सेकंड ग्रेड के बच्चों को मंगलवार को आना है। किनको? सेकंड ग्रेड के बच्चों को, यानी सोमवार कल है, परसों है मंगलवार, तो उनकी सब्जेक्ट की क्लास हम आराम से लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की क्लास में बच्चे कम है, तो उस हिसाब से उनकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। नंबर दूसरी बात, बाकी बच्चे जो भी हैं, राजस्थान पुलिस वाले जितने भी हैं, यहाँ लगता था वहाँ, और जितने भी बच्चियाँ थी वो सारे, उनको बुधवार को उसी समय आना है। कब? बुधवार को उसी समय उसी जगह। जो गांव चले गए वो एक बार न आए, जैसे बहुत सारे बच्चे, 50% से ज़्यादा बच्चे घर चले गए, कोई बात नहीं, आप घर पे रहो। कब तक रहना है आप एक बार बताना। जो तारानगर के अंदर रह गए या आसपास गांव के जितने भी यहाँ के बच्चे थे, सिर्फ उनको आना है, भले वो सेकंड ग्रेड के हो, भले ही वो आपके, क्योंकि 10 दिन तक हम टेस्ट शेड्यूल चलाएंगे। जब वो बुधवार को आएंगे, जितने बुधवार को बच्चे आएंगे उतने ही टेस्ट सीरीज, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा है। अब हम कॉपी का डालेंगे यहाँ 5,000, आएंगे 1,000, तो हमारी तो समस्या हो जाएगी ना। तो बुधवार को जितने बच्चे आएंगे उनके नाम लिखे जाएंगे, उनको एक शेड्यूल दिया जाएगा। किनको? पुलिस वालों को। सिर्फ हम 10 दिन अब टेस्ट ही लेंगे, क्योंकि प्रशासन थोड़ा ज़्यादा सख्त है, वो उस हिसाब से फैसले लेने पड़ते हैं। 10 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि वैसे ओमिक्रॉन फैल जरूर रहा है, नुकसानदायक नहीं है। जैसे दिल्ली के अंदर केस वापस घट गए, 80% बेड भी खाली पड़े, इसका मतलब ये फैल जरूर रहा है। बुखार आती है इसे, सर दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वैसी कोई मरने की खबरें इसकी नहीं आ रही, मृत्यु दर इतनी इसकी नहीं है। तो लेकिन फिर भी सरकार फैलने से रोकना चाहती है, तो हो सकता है 10 दिनों में या तो पता चल जाएगा कि पूर्णतः खुलेगा, तो आप आ जाना नेक्स्ट मंथ, और नहीं खुले तो फिर हो सकता है सरकार पूर्णतः भी रोक लगा दे। लेकिन 50% इजाजत है, तो उसी हिसाब से हम चला रहे हैं। तो टेस्ट शेड्यूल ही चलेगा 10 दिन तक। जो बच्चे घर चले गए वो एक बार ना आए, आप ये मत सोचना कि आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। नहीं, हम टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, टेस्ट शेड्यूल ले रहे हैं, वो आपको टेलीग्राम पर भी दे देंगे। नंबर दूसरी बात, टेस्ट ही तो है, अगर पढ़ाई हमने 10 दिनों मान लो कभी क्लास लगा दी, तो वो हम आपको करवा देंगे जब आप आओगे नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि 10 एक दिन और वेट कर लो, 10 दिनों में सिचुएशन का पता चल जाएगा। और बाहर जो चले गए हैं वो एक बार न आए, और कोई नया बैच अब नहीं लिया जाएगा, ना रीट का लेंगे, ना राजस्थान पुलिस का, कोई भी बच्चा अब एडमिशन नहीं ले, नया कोई एडमिशन हम नहीं ले रहे, जब तक ये हवा बंद नहीं होती, कि 15-20 एक महीने की हवा है, ये इतने में वापस डाउन आ जाएगा ये, उसके बाद हम नए बैच लेंगे। तो एक बार नए बैच भी नहीं लेंगे, आप भी परेशान मत होना कि सर ने रीट का बैच चला दिया, नहीं, एक बार नहीं चलाएंगे, अभी पुराने वाले हैं उनको बुला रहे हैं। तो पुराने वाले जो बच्चे हैं सेकंड ग्रेड वाले, मंगलवार को आ जाएंगे उसी समय, उनको बता दिया जाएगा, सब्जेक्ट की क्लास से लगेगी और एक टेस्ट शेड्यूल होगा उनका भी, ठीक है, 10 दिन। और जो पुलिस के बच्चे जितने भी थे, जहाँ आए वहीं आ जाए, वहीं उनका नाम लिखे, उनको भी एक टेस्ट शेड्यूल दिया जाएगा, और टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करना होगा आपको आगे के 10 या 15 दिन। गांव चले गए वो एक बार घर पे रहें, अच्छा खाना खाएं, एनर्जेटिक रहें, थोड़ी सी बीमारी है 10-15 दिन की वापस चली जाएगी। आपको भी समस्या हुई, बहुत सारे बच्चे छोड़कर सीधे गांव चले गए, तो उनसे हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ये भी मजबूरियां हैं सारी की सारी, ऐसी हवाएं हैं। तो वैसे भी आपको कोई, हमने तो ऑफलाइन दे दिया था कोर्स आपको ऑनलाइन भी, तो कोई वैसी बात तो नहीं थी। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे जो चले गए हैं, तो रीट का बैच चलाएंगे, उसमें आ जाना, आपको कर देंगे छूट, वैसे तो क्या छूट, छूटी है हमारी तो, लेकिन फिर भी रीट का जब नया बैच लेंगे 10-15 दिन में थोड़ी सी हवा खत्म होते ही। तो ठीक है, मंगलवार को मिलते हैं वापस। जितने भी हैं आप गांव चले गए वो मत आना, 10 दिन आप रेस्ट करो, और सर्दी है घर पे रेस्ट करो, यहाँ के बच्चे आ जाए उनका टेस्ट शेड्यूल लिया जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।